सूरज के घर वाले और सूरज खुद का भी वीडियो में कही के उनके तो कोई नहीं आ जात है, को आइए जाइए उनको कौन नहीं आ जात बताओ, ये सब लोग कौन है? अब गांव वाले दूर रात हम सफेद गांव वाले तो नहीं यहाँ पे बैठे रहे हैं, जब सबके काम दो तीन दिन बराबर आए यहाँ पे और इतनी दूर से कौन है, ये काम निकाल के ये यहाँ पे, अब हमेशा थोड़े गांव वाले बेचारे के पास बैठे रहे हैं। वे तो कुछ ना कुछ बोले बचाव के लिए, तो ऐसे बोलते ही अपने बचाव के लिए और क्या बोले हैं बताओ, गाँव वाले नहीं आए रे, मोड़ी मोड़ी चपले ही ऊपर से कह रहे गाँव वाले नहीं आए रे, तारीफ कर रहे हैं बेचारी की बहुत अच्छी थी अच्छी, छोटे से देखा मैंने सूरज की चाची तक कह रही है, सिखाना नहीं पड़ा उसको, कुछ सिखाना नहीं पड़ा, मिट्टी रोटी बनाओ वो मतलब छोटे से 5 साल की थी तब से आटा गुड़िया के मम्मी के लिए रोटी बना देते थे कच्ची कच्ची, चाची यहाँ पर आना था हमने रखी अपने घर पर, लड़की बहुत सीधी लड़की है, बारिश हो रही पानी बंद लगना एक महीना हमारे घर रही है, चाची को कुछ करवाया करते सूरज की जो कभी भाई ना हुए है, कोई किसी की लड़की है तुम्हारी लड़की होती, इतना बवाल फैल गया हमारे घर पे अभी तक नहीं झगड़ा मिट रहा है, तुम्हारी लड़की होती तुम्हें कैसा लगता, वो तो बेचारी बहुत सीधी होती, अरे कोई गरीब बहन बेटी है तो तुम उसके साथ ये थोड़ा नहीं कि बिल्कुल कुछ सुनवाई नहीं कर रहे हो, पैसे की दुनिया सुनते हैं, पैसे चाहिए ना पैसे चाहिए, लेके बैठ जाएंगे पैसे ढूंढते जाए, अधिकारी लोग का सोच जाते हैं कि इतने इतने मतलब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कैसे बचाएंगे, ऊपर से क्या ऊपर खबर नहीं पहुंच रही क्या, हम कैसे बचाएंगे, हम गरीब लोग ऐसे मारे जाएंगे, आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हो, इसीलिए आप लोगों को कोई पैसा मिल जाता है इसीलिए घुस खाते हैं, नहीं करे इसीलिए की बजाते हैं पैसों वाले की बजाते हैं, गरीब की कोई सुनवाई नहीं होती, गरीब के घर पे आए अरे तुम ऐसा कर रहे हो जब भी गलत हो दूसरे की नहीं गलती देखते हैं बिल्कुल, अरे अपनी बात लोग कहो तो जा कहे बोलती ज्यादा हो कि हमारे घर भी विरोध ज्यादा हो, बोलन के लिए मजबूर का एक मारे कर दो, ऐसे ही ऐसे ही पैदा नहीं भाई थे हम लोग, बहुत संस्कारी थे, एक घर को एक एक मकान को जगह को लीप पोत के अच्छो करके घर बनाए दे थे, तुम्हारे लोग ठुसबे के लिए रोटी बना दे सब कुछ करा था और तुम्हें यह लगत करे कि हम बोलत ज्यादा है, अगर हम लोग लक्ष्मी बन के घर को संभाल सका था तो काली बन के विनाशो कर सका था, यह बात भूल जा तुम लोग भूल जाता ये बात भूलो ना याद रखो, यह बात कमेंट आ रहे थे रश्मि जाती नहीं है जाती नहीं है, जब पहुंच गई तो उसके साथ ये अत्याचार करा, अब नहीं सुनवाई दे रही है किसी को, नहीं अब कमेंट वाले कहाँ गए हैं, कमेंट वाले कहाँ गए, वो कमेंट वाले दिखाई दे, मैं किसी को नहीं दिखाई दे रहा कि उसके साथ में क्या हुआ क्या करना चाहिए, उठाए आवाज कोई कोई नहीं रही आवाज, अगर कमेंट कर रहे थे लोग आज अगर ऐसी आवाज उठाए सब लोग तो इन्हें न्याय मिल जाए, जान चली जाए, इतना लोगों ने टॉर्चर किया इतने कमेंट किए कि वो जाती नहीं है वो ये नहीं करती वो गलत है इसीलिए नहीं जाती, लड़की माँ बाप के पास रो के आ जाए तो गलत है मतलब कुछ करके ही आई है जब भी माँ के पास रह रही है, और माँ गलत आरोप लगा था, किसी लड़की को कोई शौक नहीं है कि अपने माँ के घर रहे जूता खाए और ये सब दुनिया की बेइज्जती सहन करे, शादी घर वाले नहीं होती है, मैं दो रोटी सुकून से मिले, घर वाले जूता देते हैं ना घर वाले बेइज्जती कराते हैं, बेइज्जती करने वाले और जूता देने वाले गाँव और समाज के होते हैं, गाँव और समाज के बेइज्जती कराते हैं, माँ बाप के लिए जैसे वो बचपन से लेके शादी तक जब तक माँ बाप अगर पाल सका था पाल पोस के तो बड़ो कर सका था वो जीवन भर खवा सका था, लेकिन समाज की इज्जत के लिए इज्जत करके अपनी बिटिया की जान चली गई है, इज्जत करके ही आजकल हमारे जैसी बिटियन की जिंदगी बर्बाद हो रही है मर रही है वे और उनकी बस यही कंडीशन हो रही है, उनकी दशा खराब है, घर वाले कभी भी अच्छा है घर वाले भाई नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छी थी रश्मि तो बहुत गलत बात, सम्मान करना पड़ता क्यों अपने चरित्र को बचाने के लिए, आप मुझे गलत बोल रहे हो तो हम आप उसके लिए आवाज जरूर उठाएंगे, और आवाज अगर लड़की उठा दे तो वो गलत है। वो गलत है, अपने लिए अगर आवाज उठाए तो गलत है, फिर भी जब इधर मर गए तो सूरज के पास फिर भी सबूत चाहिए, फोन किया तो सूरज और इतना सब कुछ होने के बाद भी सबूत उनको चाहिए, अभी भी नहीं दिखाई दे रहा, अभी भी फूटी है जानबूझ के, अभी भी सबूत मांग रहे हैं जानबूझ के सबूत के मतलब कुछ तो है, जब भी सुनवाई नहीं हो रही है क्यों नहीं हो रही है, गरीब खाए हुए बैठे हैं, ये वर्दी किसने सरकार ने बनवाई है कि हमें मदद नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं मदद,
क्या चक्कर है जो गरीब की मदद नहीं होती है? मार पीट के खुपड़ी फार के सब कुछ हो जाए, मार के रख दो, तब आके आएंगे 2 मिनट देखेंगे, जाके वहाँ पोस्टमार्टम करवा दो, ये करवा दो, उसके बाद पैसा भर दो, चुपचाप बैठ जाते हैं। झूठे का बोलबाला और झूठे का बोलबाला, सही का मुंह हो गया काला आजकल वो है। आज झूठ की ज्यादा सुनवाई होती है, सच की सुनवाई नहीं होती है। झूठ सच की नहीं होती, सुनवाई पैसा पैसे की होती है। हाँ, पैसे की सुनवाई होती है, सच और झूठ की नहीं होती। पैसा है, पैसा जितना दो बस उतनी सुनवाई। गरीब की कोई इज्जत नहीं है आजकल बहन बेटी की। तो ऐसे तो रश्मि को न्याय नहीं मिलेगा, इतना टाइम लगा रहे हैं। ये मतलब जैसे ही पोस्टमार्टम आई थी, जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई थी, और क्या, किस लिए वर्दी बनाए पहने बैठे हैं, इसीलिए पहने बैठे हैं कि लोग गरीब की मदद करो, किस लिए सरकार देती है? जब रक्षक की बच्चक बन जाएगा तो कैसे न्याय मिलेगा? तो वर्दी किस लिए पहने बैठे हो आप लोग, जब कुछ न्याय ही नहीं गरीब को देते हो? गरीब मर जाए, सुनवाई नहीं करते गरीब। अगर न्याय इस तरीके से नहीं मिले, अगर हम लोग क्या कारण है? अत्याचार हो तो कारण नहीं, मरवा दो कटवा दो, कुछ कारण है? आए घूम फिर के चले गए, ये कोई ड्यूटी बजाते हो? क्या करते हो तुम लोग? जिसके ऊपर बीतती है वही ये सारी चीज समझता है, दूसरे तो बस मुंह बक 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 करते रहते हैं। एक साल से हमारे घर में झगड़ा चल रहा है, मेरी माँ बराबर मार कूट बराबर सहन कर रही है, हाथ भी तोड़ दिए, खून खच्चर भी हो गया, कोई सुनवाई नहीं कर रहे, कोई भी सुनवाई हो रही हो मेरी माँ के साथ? और जब लड़की आ जाए तो लड़की गलत है और बच्चे गलत है। लड़की बोल दे माँ को, मेरी बोलना नहीं आता, मैं बोल देती हूँ तो लड़की गलत है, ज्यादा बोलती है। माँ मर जाए तो मेरी माँ नहीं रही तो किसके पास आएंगे हम? यही तो बोलो, ये चाहते हैं कि मर जाए सब कछु, सबको सबको मर जाए, बस जैसे मना तैसे रखे, मिटिया को जैसे मना तैसे। पहले मर जाए, जब क्या गया, पोस्टमार्टम हो चुका है उनका, तो उनकी रिपोर्ट के बाद उनकी मतलब तुम्हें तो उन्हें तो सारी चीज पता है। देखो उन लोगों को पोस्टमार्टम उन्होंने उधर करवाया, उन्हें हर चीज पता है। अब उनके हाथ में है वे जो कुछ करे, सबूत मांगे, वैसे न्याय उसे देना चाहिए बेचारी को। मांगे हैं लेकिन वो कार्रवाई लिख ली गई है और बोल रहे हैं जांच पे जाइए जी, कागज तो जो जांच तो महीना महीना हो चुकी है, जांच पक्का हो गया, जांच सब कुछ हो चुकी है, जांच हो चुकी है, जांच के चक्कर में सब ठप हो जाता है। पहली बात तो जैसे होता है यहां पे, पहली बात तो जैसे ही वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी तो उसके बाद तुरंत ही जाके वो केस एफआईआर हो जाता, तुरंत एफआईआर होता है, के बाद सीधे डायरेक्ट पुलिस पहुंचती है अपराधी के घर। मट्टी लगी तुरंत पुलिस वाले वहाँ पहुंचे होंगे कि भाई ले आओ कछुआ और के लिए आओ, जो कछुआ रखो हुआ घर में हमें दे दो, ना तो फिर तुम्हें जेल के लिए तैयार हो जाइयो, कहा कि मैं रश्मि मर चुकी, ये बात जरूर पुलिस वालों ने बोली होगी। पुलिस वाले तो पुलिस वाले बचाए नहीं पब्लिक को, जनता को, गरीब को। अरे पुलिस वाले वाले कुछ नहीं करते, अरे तुमको क्या मिलता है? इसीलिए आपको ड्यूटी मिली है, किस लिए बनी तो गो खाए खा के पेट है, कोर्ट बन गए तो बड़ो हो गो है पेट, नांद भर ले पैसा अपनी बहन बेटी, इनको ईमान नहीं है पुलिस वालों को, इतना ईमान नहीं है तो अपनी बहन बेटी लोग को बेच डाल रहे हैं, निर्दयी होते हैं, अपनी बहन बेटी तक को बेच डाल रहे हैं। अगर इनकी बहन बेटी संगे तो गलत हो जाए तो ये क्या करें? ये उनके अपनी बहन बेटी अपनी बहन बेटी किराए कर रहे हैं और अपनी बहन को अपनी बिटिया को आत्महत्या घोषित करके बस निपटाए दी, और कुछ सही हो खाए वाले बेचारे तो उनकी चलती नहीं है, बड़े लोगों के आगे उनकी चलती नहीं है, अगर चलेगी हटा दिए जाएंगे। अच्छा जो इंसान है सिस्टम में, क्योंकि अच्छे इंसान से ज्यादा खराब इस समाज को कोई लगता ही नहीं है। वो किसी की अगर अच्छे इंसान खराब है तो उसको लोग बता दे, आवाज उठाई तो गलत हो गए, आवाज उठाने चाहिए हर किसी को, क्योंकि आज रश्मि ये घर की गई है कल दूसरे घर की रश्मि जाएगी।